प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोरोना की संभावित लहर से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पूर्व में ऑक्सीजन प्लांट और वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके बावजूद भी आगामी तैयारी के लिए सभी अधिकारी और संकट प्रबंधन समूह सतर्क रहे, साथ ही सभी व्यवस्थाएं और सुविधाएं चुस्त दुरुस्त रहें। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने VC के माध्यम से जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में शामिल हुए और संबोधित किया। प्रभारी मंत्री से संकट प्रबंधन समूह ने संभावित तीसरी लहर से जिले के नागरिकों को बचाने के लिए कुछ कड़े निर्णय लिए हैं जो जिले के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों की सैंपल टेस्टिंग जिले के एंट्री पॉइंट पर ही की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने CMHO डॉक्टर DS चौहान को निर्देशन देते हुए कहा कि RTO से समन्वय कर यह व्यवस्था बुधवार से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। इसी तरह गुरुवार से जिले में बिना मास्क के घूमने वाले नागरिकों और दुकानों पर चालानी कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी सहित संकट प्रबंधन समूह के सदस्य भी उपस्थित रहे। 3 जनवरी से जिले में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ होगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 मरीज है जी कोविड पॉजिटिव, इसमें से 3 बढ़वा का है जो CISF की रिक्रूट है जी। वहाँ कम से कम 800 लोग बाहर से आए हैं, उन लोगों का हमने टेस्टिंग सभी को कर लिया था, उसमें से 3 लोग जो है पॉजिटिव निकले हैं और बाकी 1 है मुंबई से वापस आए थे और 1 और जो है जी ये यहाँ इंदौर का ही कोई संक्रमित का। जिले के अंदर जो जो सुविधाएं हैं वो सब चुस्त दुरुस्त हो जाए, कोई चीज बनना रहे, ऑक्सीजन प्लांट है आपका, जो भी चीजें हैं अस्पताल में जो कमियां हैं उनकी पूर्ति कर दो। हाँ जी, अभी हमारा 7 PSA प्लांट सभी क्रियाशील है जी और 1 पीडियाट्रिक ICU भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बन गए हैं जी। और इतने ऑक्सीजन प्लांट अगर चालू हो गए? सब चालू हो गए हैं जी, 7 ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है। हाँ जी, टेस्ट भी करके प्योरिटी भी चेक कर लिया है जी, सबका 91% के अबव ही आ रहा है जी। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।